हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं जूली फिलिप्स आज आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जीवनी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिन्होंने आधुनिक नर्सिंग की खोज की। तो आइए जाने कैसे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 में इटली के फ्लोरेंस नाम के शहर में हुआ। वह एक अमीर परिवार से थी और उनका नाम उनके जन्म के शहर के नाम पर रखा गया था। जब वो 16 वर्ष की थी, परमेश्वर की बुलाहट के द्वारा उन्होंने गरीबों की और बीमारों की मदद करने का फैसला किया और वो नर्स बनना चाहती थी। जब फ्लोरेंस ने अपने माता पिता को बताया कि वह नर्स बनना चाहती हैं, तो वह खुश नहीं थे, क्योंकि उस समय नर्सिंग को सम्मान का काम नहीं माना जाता था। फ्लोरेंस के पिता विलियम ने अपनी बेटी के इन विचारों को बदलने की कोशिश बहुत की, लेकिन वो नाकाम रहे। आखिरकार उनके पिता ने जर्मनी में सन 1851 में क्रिश्चियन स्कूल फॉर वुमेन में उन्हें नर्सिंग पढ़ने की अनुमति दे दी। वहां उन्होंने बीमारों को सही तरीके से इलाज करना सीखा, साथ ही हॉस्पिटल की अच्छी सफाई कैसे रखनी है वो भी सीखा। सन 1853 में वह लंदन लौटकर हॉस्पिटल फॉर जेंटल वुमेन, जो हार्ले स्ट्रीट में है, वहां की सुपरिटेंडेंट बन गई। सन 1854 में क्रीमीन युद्ध छिड़ चुका था, जो करीबन 2 साल तक चला। वह इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि कितने सैनिक घायल होंगे, और यही एक कारण था कि अस्पतालों की हालत इतनी खराब थी। जल्द खबर मिली कि सैनिक बिना इलाज के मर रहे हैं। इसी समय युद्ध के मिनिस्टर सिडनी हार्बर्ट ने फ्लोरेंस को एक नर्सों की टीम बनाने को कहा, जिस टीम को क्रीमीन जाना था। जब वो वहां पहुंची तो उन्होंने पाया कि सैनिकों की हालत बहुत ही खराब है और अस्पताल में भी बहुत गंदगी है, साथ ही वहां पे इलाज के लिए पर्याप्त दवाइयां या उपकरण नहीं थे। घायल सैनिक गंदे फर्श पर सो रहे थे, पीने का साफ पानी नहीं था, कंबल भी नहीं थे। इसी वजह से सैनिक तेजी से इन्फेक्शन से मर रहे थे। फ्लोरेंस जानती थी अस्पताल की स्थिति में सुधार होने पर ही सैनिक फिर से ठीक हो सकते हैं। घायलों को ठीक करने के लिए फ्लोरेंस ने वहां कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री और खाना पकाने के लिए रसोई बनवाई। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य और इलाज में भी बेहतरी आई और मृत्यु दर कम होने लगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल द लेडी विद द लैम्प से भी जानी जाती हैं। वो वास्तव में अपने पीड़ित रोगियों की देखभाल करती थी, और रात में जब सभी सो रहे होते थे, वह सैनिकों के पास जाती थी ये सुनिश्चित करने कि वह आराम से रहें। फ्लोरेंस सैनिकों के लिए खत भी लिखती थी, जो अपने खत खुद नहीं लिख सकते थे। इसके बाद सन 1856 अक्टूबर में वो क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस एल्बर्ट से मिली। सन 1859 में फ्लोरेंस ने नोट्स ऑफ नर्सिंग के नाम से एक किताब प्रकाशित की, जो आज भी प्रिंट में है। सन 1860 में फ्लोरेंस ने दी नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस की स्थापना सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन में की। इस स्कूल ने न केवल बेहतरीन नर्सिंग ट्रेनिंग दी, बल्कि नर्सिंग को एक सम्मानजनक करियर बना दिया उन महिलाओं के लिए जो घर से बाहर काम करना चाहती थीं। नर्सिंग के लिए और हजारों लोगों की जान बचाने के लिए उनकी आज भी सराहना की जाती है। इसी के साथ साथ नाइटिंगेल ने ब्रिटेन और विदेश में नर्सिंग का विकास किया, जिसके लिए भी उनको याद किया जाता है। सन 1858 में वह पहली महिला थी जो रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी की सदस्य थी। इसी के साथ साथ
सन 1907 में पहली महिला बनी जिन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट का खिताब मिला, जो हमारी रानी के द्वारा सुपर स्पेशल काम के लिए दिया जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण 13 अगस्त 1910 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का देहांत हो गया, लेकिन उन्हें आज भी आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक के रूप में पहचाना जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।